हेलो दोस्तों, डीटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वन प्लस की 60 डिवाइस और मुझे यहाँ पे अपडेट मिला है ऑक्सीजन का यहाँ पे 10.3.2। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ न्यू मिलने वाला है। दोस्तों उससे पहले अगर आपने डीटो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जितने भी लेटेस्ट अपलोड वीडियो आप सबसे पहले उनको देख सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में ये वन प्लस की डिवाइस, इसमें अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 10 और 3.1 है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 10.3.1 है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखेंगे इस सिस्टम अपडेट में जाके यहाँ पे तो देख सकते हैं 235 MB वाला यहाँ पे अपडेट मिला हुआ है। इसमें सिस्टम अपडेट में दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन से रिलेटेड है और यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी और यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल, ये तीन न्यूज़ सिस्टम अपडेट मिले हैं। जो मेन अपडेट चाहिए था दोस्तों यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड और कैमरा से, जो कि अभी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों इस अपडेट के बाद में यहाँ पर क्या क्या इस डिवाइस में इम्प्रूव होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू टू डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, ये फाइल डाउनलोड होगी, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही प्रोसेसिंग होगी और अब यहाँ पे रिबूट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपकी डिवाइस रिस्टार्ट होगी, इसमें कुछ टाइम लगेगा। ये होने के बाद में दोस्तों आपको अपना जो भी आपका फ़ोन का पिन है आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपकी डिवाइस ऑन हो जाएगी। ये मेरी डिवाइस ऑन हो चुकी है, मैंने यहाँ पे अपना पिन लिखा है, ये डिवाइस ऑन हो गई है। दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाके दोबारा अगर डिटेल्स देखेंगे अबाउट फ़ोन में जाके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन ओएस वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.2 हो चुका, जो कि पहले 3.1 था। दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा सिक्योरिटी पेज देखें तो वो भी अपडेट हो चुका है, लेवल इसका फरवरी का हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पहले मेरे डिवाइस में जो हैंग वाली प्रॉब्लम थी वो तो सोल्व हो चुकी है, इसमें अब हैंग नहीं हो रहा है। तो हो सकता हो यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो चुका हो, लेकिन जो मेन अपडेट दोस्तों यहाँ पे चाहिए था वो था बैटरी से रिलेटेड। बैटरी इतना जल्दी ख़त्म हो जा रही है, दिन में 2-3 बार इसे चार्ज करना पड़ रहा है। तो हो सकता हो बैटरी से रिलेटेड अपडेट चाहिए। और एक कैमरा की जो क्वालिटी है वो पहले से बहुत ही ख़राब हो चुकी है। जो फर्स्ट टाइम पहले कैमरा की क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी, अब वो भी ख़राब हो सकता हो, उसका भी अपडेट यहाँ पे मिल जाए नेक्स्ट अपडेट में। तो दो अपडेट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपके डिवाइस में भी पहले से बैटरी और कैमरा की क्वालिटी कम हो गई तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिएगा।